यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2022 की तैयारी में तेजी से जुटी नजर आ रही है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले समिट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विशेष पोर्टल लॉन्च किया। राज्य के औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ग्लोबल समिट से पहले विदेशी निवेशकों से बातचीत करने के लिए 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद के साथ जर्मनी और स्वीडन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विदेशी कंपनियों से संवाद करेंगे। रामकथा में खड़ी बोली के विशिष्ट रंग भरकर जन जन तक पहुंचाने वाले महान साहित्यकार पंडित राधेश्याम कथावाचक की 25 नवंबर को जयंती है। रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम कथावाचक की जयंती को फिर अविस्मरणीय बनाने के लिए बरेली के फ्यूचर कॉलेज में पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति समारोह 24 एवं 25 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाले समारोह में पंडित राधेश्याम की तर्ज पर गायन के अलावा व्याख्यान, विचार गोष्ठी, नाटक आदि कार्यक्रम होंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, आईजी रेंज अमित शर्मा के अलावा पूर्व कमिश्नर वीरेंद्र कुमार सिंह सहित रुहेलखंड की जानी मानी हस्तियां, कलाकार, नाटककार, इतिहासकार समारोह में शिरकत करेंगे। बरेली में 3 दिन से चला आ रहा ताबड़तोड़ हत्याओं का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। अलीगंज क्षेत्र में गुलाब नबी नामक शख्स की हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने भारी हंगामा किया और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। वहीं थाना बहेड़ी क्षेत्र में दमंगों के हमले में गरीब मजदूर मेवाराम की जान चली गई। पुलिस ने मेवाराम की हत्या में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथे हमलावर की तलाश जारी है। यहां बता दें कि 3 दिन के अंदर बरेली में हाफिजगंज, भमौरा, बारादरी, बहेड़ी और अलीगंज में इस तरह की घटनाएं हैं। जीआरएम स्कूल नैनीताल रोड बरेली में वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2022 का भव्य आयोजन हुआ। स्टूडेंट की रंगारंग प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कमिश्नर इनकम टैक्स देवेंद्र सिंह दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत कराई। स्टूडेंट्स का नोस्टाल्जिया, ब्राइट होराइजन, वीवा इंडिया व लोक नृत्यों पर दर्शक आखिरी तक झूमते रहे। समारोह में 10वीं व 12वीं के क्लास के मेधावियों को सम्मानित किया गया। टॉपर स्टूडेंट्स को खास इनाम दिया गया। प्रबंधक राजेश अग्रवाल जौली ने कहा कि जीआरएम की विकास यात्रा में सभी का योगदान है। दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की वजह से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। नए परीक्षा कार्यक्रम के तहत अब 5 और 6 दिसंबर को होने वाली परीक्षाएं 22 और 23 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय ने सोमवार को 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम भी बदला है। परीक्षा नियंत्रकों से सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व केंद्र अध्यक्षों को छात्रों को भी इसकी सूचना देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।